नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल की स्प्राउट्स। तो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं मूंग दाल के स्प्राउट्स। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल ली है और इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, और इसके बाद मैं इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये हमारी मूंग दाल पूरी रात को मैंने भिगो दी थी, तो देखिए ऐसी हो गई है अब ये। तो मूंग दाल की स्प्राउट्स जो होती हैं काफ़ी हेल्दी होती है, और जिन्हें अपना वेट कम करना हो उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसका पानी हम निकाल लेंगे और छान लेंगे इसे एक छलनी से। तो जिन्हें हेल्दी रहना पसंद है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मैंने छान लिया इसको, और अब मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और इस सूती कपड़े के ऊपर हम इसको रख देंगे अपनी मूंग दाल को। इस पर अच्छे से रख कर और फिर इसको ढक कर हम रख देंगे। तो ये एक छलनी है मेरे पास, तो इसमें रख देंगे हम इसको अच्छे से दबा देंगे, और फिर इसके ऊपर हम कुछ प्लेट वगैरह रख देंगे, और फिर बीच बीच में अगर चाहे तो आप इसे देख भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये सुबह रखी थी, उसके बाद फिर मैं इसको शाम को ही देखूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम को मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो अब देखते हैं कि कैसे बने हैं हमारे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मूंग दाल के स्प्राउट्स तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो ये अंकुरित हो गए हैं अच्छे से। तो लेकिन मुझे अब थोड़ा सा और इनको अंकुरित करना है, इसलिए मैं इसको एक बार और ढक कर रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए, तो ये और भी अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। और पानी भी इस पर थोड़ा सा छिड़क दूँगी ताकि मॉइस्चर की कमी ना हो इसमें, और अच्छे से हमारे स्प्राउट निकल के आएँ। तो देखिए, अब मैं इसको 4-5 घंटे के बाद जब देख रही हूँ तो हमारे स्प्राउट्स बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इनको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्प्राउट 1 इंच के हो गए हैं लगभग, तो काफ़ी अच्छे बने हैं ये। तो फ्रेंड्स, इसको हम वैसे तो कच्ची भी सलाद बना सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको एक सीटी लगा लिया है और उबाल लिया है इसको। तो अब इसको उबालने के बाद मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे फिर हम। तो देखिए, ये मैंने काला नमक लिया है थोड़ा सा, और ये काली मिर्च है, और ये चाट मसाला है, और ये लाल मिर्च का पाउडर है, और ये थोड़ा सा नींबू का रस, और एक ये टमाटर लिया है मैंने बारीक कटा हुआ, और एक प्याज उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और ये हरी मिर्च है, और आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी कोई वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया अपने उबले हुए स्प्राउट्स को। अब इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और बाकी के जो काला नमक और चाट मसाला और है जो काली मिर्च, उसको भी हम डाल देंगे, और जो अपना प्याज काट कर रखा था हमने उसको भी डाल देंगे साथ में, और टमाटर है उसको भी डाल देंगे, और हरी मिर्च सबको डाल देंगे, और फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगे हमें। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर अच्छे से हिला लेंगे। ये हमारी स्प्राउट्स की देखिए सलाद बनकर तैयार हो गई है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने में भी बहुत हेल्दी होती है। तो
देखिए अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी स्प्राउट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।